एक्सेल चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो साइबर क्राइम को लेकर जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नज़र आ रही है कि इन लोग जो है साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। और इसी बीच में अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है काफ़ी संजीदा है और अवेयरनेस के प्रोग्राम जो हैं जगह जगह करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में इस वक्त जो है मैं कन्वेंशन सेंटर में खड़ा हूँ, जहाँ पर 3 दिन के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। Thank you so much, sir. The IT department has been on the forefront of to information technology department to facilitate our. देखिए, आज के युग में ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज का डिजिटल वर्ल्ड है, कनेक्टेड वर्ल्ड है। आईटी टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और उसमें जो है बहुत स्कोप है। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करें। और इसके लिए ये सबसे पहली बात यह है कि जो भी इसके यूज़र्स हैं हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से डूज़ और डोंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि सिस्टम सिक्योर रहता है। जो प्रोफेशनल्स हैं जो सिस्टम को मैनेज करते हैं उनका एक रोल है, वो अलग है, और जो यूज़र्स हैं उनका एक रोल अलग है। और इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई है कि 40 हमारे विलेज डिजिटल सेंटर्स भी इस सेमिनार के साथ जुड़े हैं और वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इसके बारे में उनको भी जानकारी होगी। आज हम जानते हैं कि चाहे छोटे सा बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी से, आजकल के आईटी नेटवर्क से अलग नहीं रह सकता। और जबकि ये पुश किया जा रहा है कि ज़्यादातर हम सर्विसेज डिजिटल मोड में दें, ऑनलाइन प्रोवाइड करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने सिस्टम्स को सिक्योर रखें। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सारी जानकारियाँ हमारे स्टाफ को हो जाएंगी, ऑफिसर्स को हो जाएंगी और निश्चित रूप से सिक्योरिटी जो हमारी डिजिटल और आईटी सिक्योरिटी उसमें जो है इजाफा होगा। थैंक यू। ये 3 दिन की वर्कशॉप हम साइबर सिक्योरिटी पे करवा रहे हैं और इसमें ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड। सारे के सारे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट से 600 ऑफिसर्स आज इस प्रोग्राम में 3 दिन तक फिज़िकली ज्वाइन करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज एक्सचेंज होगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमारे जो 20 ज़िले हैं, वर्चुअली सारे ज़िले हमने कनेक्ट किए हैं और हमने 44 ग्राम पंचायतों तक इस प्रोग्राम को रिले करवाया। स्ट्रेटजी का है कि गवर्नमेंट पहले खुद हम साइबर सिक्योरिटी पे लोगों को बेसिक अवेयर करें और नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको पब्लिक तक लेके जाएं, पब्लिक तक इस मैसेज को पहुंचाएं। उसमें मीडिया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने ऑफिसर्स हैं वो सभी इस मैसेज को पब्लिक तक लेके जाएंगे। हम एक 3 दिवसीय वर्कशॉप कराने जा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी पर आधारित है। और इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही है कि किस तरह से जितने भी अफसर हैं, लगभग 1000 अफसरों को ट्रेन करने का एक हमारा ये प्रयास है और साथ ही साथ सभी डिपार्टमेंट से लिए गए ऑफिसर्स को और साथ ही साथ डिजिटल विलेज सेंटर्स और ग्राम पंचायत्स को भी इसमें जोड़ा गया है और वहाँ से भी लोगों को हम ऑनलाइन इसमें शामिल कर रहे हैं। और प्रयास यही है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए एक एरिया ऑफ कंसर्न है। तो किस तरह से लोग, क्योंकि एक बड़े तौर पर हमने डिजिटल जम्मू कश्मीर का आगाज़ किया है जहाँ पे अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, हम ई ऑफिस पर हैं। इसके अलावा डेटा ड्रिवन एक हमारी जो सोसाइटी और डिजिटल पेमेंट्स में भी जम्मू कश्मीर बहुत आगे है, लोग डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो लोगों को एक सेंसिटाइज करना, अवेयर करना और जागरूक करना कि किस तरह से अपने पर्सनल सिस्टम्स और डिवाइसेस को वो सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जो साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी